तो भाई क्लास 9 और 10th की जो है वो डेट शीट आ गई है, और ये डेट शीट जो है वो बिल्कुल रियल है, बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर भी मौजूद है। अगर आप ये डेट शीट देखना चाहो तो वहाँ जाके भी देख सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं कि पहला पेपर किस दिन है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिर में कि जो कल डेट शीट आई थी क्या ये वही है या नहीं, और वो रियल थी या नहीं थी। अच्छा, डेट शीट आपके सामने आ गई होगी, आप डेट शीट भी देखते रहना और मेरी बातें भी सुनते रहना। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हो ना, और आपकी तैयारी हो भी गई है, तो एक बार गैस पेपर को ज़रूर फॉलो करना। गैस पेपर आप ज़रूर बाय कर लो, इजी पैसा नंबर शुरू में आया होगा। 200 रुपये गैस पेपर की फ़ीस है, तमाम सब्जेक्ट के हैं, PDF में मिलेंगे, तो उसी पे फीस पे करो, उसी पे गैस पेपर ले लो ताकि तैयारी अच्छी हो जाए। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं डेट शीट पे। तो भाई सबसे पहला पेपर जो है वो आपका कौन सा है, ट्यूसडे को है, ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से मेंशन है, और 7 तारीख से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 का चक्कर लिखा हुआ होता है, तो मैं पहले ही बता दूँ, पार्ट 1 का मतलब होता है, पार्ट 1 का मतलब होता है क्लास 9, ठीक है, और पार्ट 2 का मतलब होता है क्लास 10, या जिसे आप मैट्रिक भी कह के बुला रहे होते हो प्यार से, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना, इसीलिए मैंने बता दी ताकि आपको परेशानी ना करे। अच्छा, अब सबसे पहला पेपर जो है वो कंप्यूटर का, ऑलमोस्ट हमेशा ही कंप्यूटर का पेपर पहले हो रहा होता है, क्योंकि बायो का पेपर उसके बाद हो रहा होता है, तो बायो और कंप्यूटर का पेपर पहले और दूसरे नंबर पर चलता है। तो सही है भाई, पहला पेपर हमारा है कंप्यूटर, ठीक है, थ्योरी मतलब सिर्फ थ्योरी होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा इस पेपर में। पार्ट 1 यानी 9 का 7 तारीख को है, इंशाल्लाह इंटरव्यू भी लेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन से स्कूल के बाहर इंटरव्यू लें। अच्छा, उसके बाद है वेडनेसडे है, और पेपर बता दूं कि सुबह की शिफ्ट में है, 9:30 से लेकर 12:30 तक आपका पेपर चलेगा, तो ये आपका 3 घंटे का पेपर है जैसा कि हर बार होता आया है। एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि भाई आप जो है ना पेपर देने के लिए, अब यहाँ 9:30 लिखा हुआ है ना, आप 9 बजे ही पहुँच जाना, ताकि भाई लेट होने की गुंजाइश ना रहे, पंचर वगैरह या कोई भी चीज़ अगर भूल जाओ तो आपको याद आ जाए, तो 9 बजे तक पेपर देने पहुंच जाओ, पहले दिन तो जल्दी ही जाना, ठीक है। तो कंप्यूटर वाला पेपर आ गया पहला। अच्छा, वेडनेसडे को 8 तारीख है, कंप्यूटर का ही पेपर है, लेकिन पार्ट 2 यानी आपका मैट्रिक का पेपर है क्लास 10th का। अच्छा, उसके बाद जुमेरात को, थर्सडे को आपका पेपर है 9:30 से लेकर 12:30 बायोलॉजी का, तो कंप्यूटर वालों की उस दिन छुट्टी होगी। अच्छा, ये पार्ट 1 है, ध्यान से देखना। अच्छा, फ्राइडे को आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है, आप लोग ऑलमोस्ट जो भी इंग्लिश पढ़ रहा होता है वो कंपलसरी ही वाली ही होती है, तो इसका पेपर है आपका पार्ट 2 का, मैट्रिक का, 9 का नहीं, मैट्रिक का है, किस दिन है, फ्राइडे को है। अच्छा, उसके बाद सैटरडे आ गया, फिजिक्स का क्लास 9 का पेपर, पार्ट 1 यानी क्लास 9 थ्योरी का पेपर है, सारे पेपर थ्योरी वाले होंगे, प्रैक्टिकल के पेपर थ्योरी के बाद होते हैं। अच्छा, उसके बाद सैटरडे आ गया, फिर आ गया आपका मंडे, मंडे को मैथमेटिक्स का पेपर है, गैप मौजूद है तो तैयारी उम्मीद अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पेपर आ गया आपका पार्ट 2 यानी 10 वालों का मंडे को। उसके बाद है ट्यूसडे, अगेन आ गया 14 तारीख, 9:30 से 12:30 बायोलॉजी का पेपर है पार्ट 2 वाला, 1 नहीं, 1 हो चुका है, पार्ट 2 यानी मैट्रिक का पेपर है। उसके बाद आ जाते हैं थर्सडे, इंग्लिश का पेपर है पार्ट 1 का, तो ऊपर जो इंग्लिश का पेपर हुआ था पार्ट 2 का, नीचे जो हो रहा है वो पार्ट 1 का हो रहा है, 9:30 से 12:30। अच्छा, उसके बाद आ जाओ फ्राइडे, यानी दोबारा जुम्मा आ गया 17 तारीख को, 9:30 से 12:30 पेपर है। अच्छा, किसका पेपर है, केमिस्ट्री पार्ट 2 यानी 10 वालों का। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सैटरडे, मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी 9 का पेपर होगा, और 9:30 से 12:30। अच्छा, सुबह की शिफ्ट में साइंस वाले हैं और इवनिंग की शिफ्ट में जर्नल वाले होंगे, तो जर्नल की भी डेट शीट जल्द शेयर करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ आपका, उसके बाद पेपर आ गया आपका सैटरडे को मैथमेटिक्स का हो गया 9 का, मंडे को पेपर है फिजिक्स का पार्ट 2 का, ठीक है, मैट्रिक का पेपर है यानी 10th का पेपर है। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्यूसडे यानी बुध वाले दिन आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर लिखे हुए हैं, उर्दू नॉर्मल, सिंधी नॉर्मल, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पेपर, तो ये आपने देखना होगा कि आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है और आपने क्या सेलेक्ट किया है, ठीक है। उर्दू नॉर्मल या उर्दू कंपलसरी ये वाला पेपर जो है वो आपका 9 वालों का होगा, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज़ को शुरू में पढ़ लिया होगा। अच्छा, फिर सिंधी का पेपर आ जाते हैं क्लास 10 का, ठीक है, सिंधी नॉर्मल भी सेम डे ही रखा गया है 9:30 से 12:30। अच्छा, उसके बाद आ जाओ वेडनेसडे, सिंधी सेलीस वाला जो पेपर है ये होगा आपका किसका, वेडनेसडे को होगा। अब आपने क्या सेलेक्ट किया है, सेलीस
या नॉर्मल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वाले दिन सेलीस वाले जा रहे हैं, सेलीस वाले दिन नॉर्मल वाले। तो आपको देखना है कि आपने क्या सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब आ जाओ जुमेरात को, आपका पेपर है इस्लामियत का। और जो बच्चे इस्लामियत का नहीं देंगे बल्कि एथिक्स का देते हैं, तो उनके लिए होता है रिलीजियस स्टडी फॉर नॉन मुस्लिम, जिसे आप एथिक्स भी कह रहे होते हो। ठीक है, अब फिर आखिरी पेपर है फ्राइडे 24 तारीख को। तो 24 तारीख को हमारा पेपर है 9:30 से 12:30 पाकिस्तान स्टडीज़ का। ठीक है, ये पेपर भी सेम टाइमिंग का है, ये होगा 10th वालों के लिए। 24 तारीख को आप लोग फ्री हो जाओगे और थर्सडे को फ्री हो जाएंगे, 9 वाले थर्सडे वेनसडे को फ्री हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि भाई आपने टाइम टेबल को सही से पढ़ना है, देखना है, और सेलीस और नॉर्मल में गलती नहीं करनी, ये हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर वो जो डेट शीट आई थी वो क्या थी, रियल थी या फेक थी? तो देखो, वो वाली डेट शीट का नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर नहीं था, तो इसीलिए मैंने एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते और एक ज़िम्मेदार कंटेंट क्रिएटर होने के नाते वो डेट शीट शेयर नहीं करी थी। ठीक है, लेकिन अभी बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, इसकी जो है नोटिफिकेशन भी आ गई है, प्रेस रिलीज़ भी आ गई है। आप अगर प्रिंट मीडिया पे देखोगे या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखोगे तो वहाँ भी इसकी खबरें चल रही होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक है भाई आप लोगों को। और एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। इंशाल्लाह मैं 9th 10th के ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ डालूंगा, तैयारी कैसे करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे जो है वो अच्छी तरह देना है, वो गलतियाँ जो बहुत ज़्यादा आप लोग करते हो कैसे दूर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एमी इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बोलो भाई सर का चैनल है, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लो। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर कहूँगा, बच्चे लास्ट में ये गलती बहुत करते हैं, मैं बार बार बताता आया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि भाई आपने जो है ना रिवीजन ज़रूर करना है। देखो आप पूरा 100% कोर्स कवर कर लो, लेकिन रिवीजन अगर आपने नहीं किया ना तो आपकी तैयारी समझ लो सही नहीं है। बोर्ड में जाकर आप चीज़ें भूल जाओगे, फॉर्मूले भूल जाओगे, मुख्तलिफ काम नहीं कर पाओगे। आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। 10 चैप्टर किए, 5 किए, 6 किए, उनको दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से देखना है, फॉर्मूले याद करने, फार्मूला शीट्स ग्रुप में भेजी, टेस्ट बना बना कर ग्रुप में भेज रहा हूँ, सब चीज़ें ग्रुप में आ रही हैं, गैस पेपर मॉडल पेपर सब ग्रुप में आ रहा है। ग्रुप में नहीं हो, ग्रुप में आ जाओ, जल्द से जल्द सारी चीज़ें मिलेंगी। एक और बात बता दूं कि ये जो ग्रुप है ना एमी इंग्लिश सेंटर के, ये स्टडी के है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए हैं। पेपर से एक दिन पहले ग्रुप ख़त्म हो जाएंगे 9th 10th के, यानी 6 तारीख की रात को हमारे तमाम ग्रुप 9th 10th के ख़त्म कर दिए जाएंगे। फिर बता रहा हूँ 9th 10th के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जब डेट शीट आएगी तो उस वक्त उनके ग्रुप ख़त्म होंगे। तो भाई आप लोगों ने तैयारी अच्छी करनी है, अपनी मेहनत पर भरोसा करना है, मेहनत से काम लेना है और मेहनत से सारे पेपर देने हैं। बिल्कुल भी आपने जो है वो किसी और चीज़ का सहारा नहीं लेना, आपने अपनी मेहनत पे भरोसा करके पेपर देने जाना है। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, मैं दुआ करूँगा कि भाई अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे और जितना आप सोच रहे हो उससे अच्छे नंबर आएँ। मेहनत करना, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। एमी इंग्लिश सेंटर को फॉलो कर लो, एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी को भी फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में जरूर।